आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, दीपावली पर खाने पीने से और पटाखों से शरीर को सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स ने इस दीपावली आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें कुछ अमूल सुझाव और टिप्स दिए। सब दीपावली का महापर्व शुरू हो रहा है और एक के बाद एक पर्व आते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और घरों में बहुत सारे पकवान बनते हैं तो, और बहुत सारा ऐसा दुकानों में कुछ मिलावटी सामान भी मिलता है कि तबीयत बिगड़ जाने की बहुत आशंका रहती है। ऐसे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे इन त्यौहार के दिनों में अपने सेहत को बेहतर रखें? सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को, आप लोगों को, सारे देशवासियों को। फिर कहना ही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा खराबी जो मिलावटी सामान में होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको खाने से बहुत सारी दिक्कत होती है। फर्स्ट तो एब्डोमेन में दिक्कत हो जाती है, इंटेस्टाइन में दिक्कत हो जाती है, नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है, बहुत सारे उल्टी हो गए जैसे। तो अब जब त्यौहार में अगर उल्टी हो जाएगा, पेशेंट बीमार हो जाएगा, तो उसके तो पूरा त्यौहार ही खत्म हो जाएगा, सही नहीं होगा। दूसरा ये, अगर बाहर से ना ला कर घर पे ही अपना वो सारा जो भी मिठाई बनाना, स्वीट बनाना जो चीज़ है, तो घर पे अगर बनाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा सभी को लोग के लिए। डॉक्टर साहब, दीपावली पे पटाखे वगैरह भी खूब जलाए जाते हैं, तो दो समस्या है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, आदमी जल जाता है, तो क्या प्राथमिक उपचार वो घर पर करे, और दूसरा ये जो एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है, इससे बचने का क्या कोई उपाय है? एयर पोल्यूशन तो कम करने का ऐसे तो साधारण उपाय कोई भी नहीं है, उसके लिए तो उपाय यही है कि बस पोल्यूशन मतलब पटाखे कम कर दिए जाए। बट अब जैसे दीपावली पटाखों का ही त्यौहार ही माना जाता है, खुशियों का त्यौहार माना जाता है, इसलिए पटाखे दागते हैं, मगर कम कर देना चाहिए, उसी से पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। और रही अगर बाय द वे किसी का हैंड में चोट लग गई या बर्न हो गया, तो अगर बहुत ज्यादा ज्यादा बर्न हो गया है तो उसके लिए तो हॉस्पिटलाइज ही करना रहेगा बेहतर, और अगर बहुत कम से कम हुआ है तो उसके लिए घर पे कुछ उपचार होते हैं, कर लिए जाते हैं। जैसे अगर बाय द वे वहाँ पे जल गया है तो वहाँ पे आइस पैड लगा दिए, उसके बाद में बटाटा होता है उसको कट करके बीच में जैसे उसका छिलका टाइप का काट लिया जाए, उसको जहाँ पे बर्न हुआ हो वहाँ पे रख लिया जाए, तो इससे आगे छाला मतलब ऊपर नहीं बबल नहीं बन पाता है और वहाँ का जलन भी कम हो जाता है। बाकी तो उसके बाद में हॉस्पिटल का। सब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है कि कई सारे त्यौहार एक सीरियल में आते हैं और उसके बाद छठ पूजा भी है, इस दौरान में खाने पीने का बड़ा जोर रहता है, मिलावटी सामान बाजार में रहता है, सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं शहर मेडिकल सेंटर डॉक्टर के कुरैशी की तरफ से मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने उत्सव के साथ मनाएं, लेकिन ये बचाव करें कि कहीं कोई जले ना, कोई उत्सव में खलल ना पैदा हो पटाखों से और रवाई से, थोड़ा सा परहेज करें, खान पान का परहेज करें, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाने लायक नहीं हैं, उनसे परहेज करें, फूड पॉइजनिंग के बहुत चांसेस बन जाते हैं। आप लोगों को यही है कि ठीक से दीपावली का उत्सव मनाया जाए, उसमें कोई और परेशानी ना पैदा हो, बस यही हमारा जी। डॉक्टर साहब, अगर जैसे पटाखा जलाते समय कभी कई बार बर्न हो जाता है, तो क्या फर्स्ट एड घर पे हो कि हॉस्पिटल जाने से पहले एक प्राथमिक उपचार वहाँ पर कर दिया जाए? अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है तो आप नहीं है, टूथपेस्ट होगा, टूथपेस्ट लगा लीजिए, या तुरंत कहीं, आजकल तो कहीं पर भी कोई भी क्रीम मिल जाती है, वो लगा लीजिए। तब तक पानी को लेकर के भी बड़ा भ्रम है कि पानी से धोना चाहिए कि पानी से नहीं धोना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बर्फ लगा लेनी चाहिए, सही चीज क्या है? ये चीज सही बात है कि पानी से, बर्फ से लगा सकते हैं तो जलन कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, तब तक फर्स्ट एड इतना कर सकते हैं। डॉक्टर वसीम शाह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर लखनऊ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और दिवाली का बहुत ही हर्ष के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए हम सबको। पटाखे इत्यादि उचित दूरी से जलाएं, कोशिश करें प्रदूषण कम से कम हो, जिसके लिए
हरित पटाखों का उपयोग करें और खाने पीने में मिठाइयाँ इत्यादि बहुत सोच समझ कर खाएं और शुद्धता का ध्यान रखें और कभी बर्न इत्यादि होने पर जो प्राथमिक उपचार है जैसे तुरंत पानी का प्रयोग करें, घाव के छालों को उसको धोएं और सुप्रामाइसिन इत्यादि ट्यूब का प्रयोग करके जो निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाके चिकित्सक से उसका इलाज कराएं। डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता प्रभारी जिला अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनीनगर के सभी क्षेत्रीय लोगों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अगर बर्न से अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो फर्स्ट एड के लिए क्या व्यवस्था उनके लिए अपील करना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो यही होना चाहिए बर्न के केस में अभिभावक अगर साथ में रहें पटाखे जलाते समय तो बेहतर रहेगा। इसके बाद भी अगर छोटा मोटा मतलब बर्न हो भी जाता है तो बेहतर है पहले उसको ठंडे पानी में रखें 10 से 15 मिनट तक, और अगर उसमें कुछ नहीं फायदा मिल रहा है तो हॉस्पिटल हमारे रहेंगे खुले रहेंगे अपने ख्याल रखें। सर अगर खान पान की बात कर लें तो खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं जो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको पीएससी आने की जरूरत भी ना पड़े। खान पान को लेकर तो यही है कि जो जो लोग जिनके वो जैसे डायबिटिक लोग हैं मीठा खाने से बचें, कम खाएं, और जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कॉर्नरी चीज खाने से या पेट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा तेल मसाले चीज का उपयोग कम से कम करें। मैं राकेश कुमार शर्मा ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पीएससी सरोजनी नगर दीपावली के शुभ अवसर पर एवं उसके बाद में आने वाले भैया दूज के एवं उसके उपरांत आने वाले छठ पर्व के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ होंगे। इसके अतिरिक्त अगर जो कोई भी किसी को भी दीपावली के अवसर पर पटाखे वगैरह जलाने से किसी को कोई दिक्कत आती है तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर 24 घंटे आप सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। जब भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पे निसंकोच और निसंदेह रूप से आ सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी संदेश देना चाहेंगे कि पटाखों से सावधान रहें और अपने को और अपने बच्चों को बचा करके रखें। जो छोटे बच्चे पटाखों का उपयोग करते हैं वो सभी गार्जियंस से अनुरोध है कि वो सभी लोग अपनी देखरेख में ही उनको पटाखे जलवाएं और यहाँ पे आकर के अपने बच्चों को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसी के साथ हम पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हरीश चंद्र यादव नॉन मेडिकल सुपरवाइजर पीएससी सरोजनी नगर लखनऊ। दीपावली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को सरोजनी नगर पीएससी की तरफ से? दीपावली के अवसर पर हम सरोजनी नगर के सभी सदस्यों और कर्मचारी और अधिकारी की तरफ से सभी अपने जिले के अपने ब्लॉक के सभी लोगों को शुभकामना देना चाहते हैं और हम लोग ये कोशिश करते रहें कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हम लोगों लायक हो तो हम लोग उनकी सॉल्व करते हैं। और इस अवसर पर हम सभी साथियों को आप सभी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। मैं जानकी पाल हेल्थ सुपरवाइजर पीएससी सरोजनी नगर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर से कंप्यूटर ऑपरेटर ज्ञान पुष्पांडे, आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें। इसके अतिरिक्त यदि कभी आपको कोई इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम सब 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हैं।